हेलो एवरीवन, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए पहले पिछला अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने किस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जीता है? ऑप्शंस थे टाइम शेल्टर, ट्री शेल्टर, टॉम शेल्टर या फिर टॉल शेल्टर। इसका सही जवाब था ऑप्शन ए टाइम शेल्टर। चलिए अब आज का पहला सवाल। किस मंत्रालय ने झारखंड के खूंटी जिले में महिला सम्मेलन का आयोजन किया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जनजातीय कार्य मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोजेक्ट शिवालिक किससे संबंधित है? सड़कों के निर्माण से, पुलों के निर्माण से, अस्पतालों के निर्माण से या फिर विद्यालयों के निर्माण से। जवाब है ऑप्शन ए सड़कों के निर्माण से। अगला सवाल। हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायत स्तर पर डैश को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान की शुरुआत की। डिजिटल लेनदेन, डिजिटल शिक्षा, विकलांगों के बीच शिक्षा या फिर महिलाओं में स्किल। तो सही जवाब है ऑप्शन ए डिजिटल लेनदेन। अगला प्रश्न। विश्व सिज़ोफ्रेनिया जागरूकता दिवस मनाया जाता है 20 मई को, 22 मई को, 24 मई को या फिर 26 मई को। सही उत्तर है ऑप्शन सी 24 मई। आगे बढ़ते हैं। किस संगठन ने रोजगार आउटलुक पर रिपोर्ट जारी की है? भारतीय आर्थिक व्यापार संगठन, वित्त मंत्रालय, भारतीय आर्थिक संघ या फिर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो जवाब होगा ऑप्शन डी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। नेक्स्ट सवाल। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा, रेखा शर्मा, भगवान साहनी या फिर एनके सिंह। इसका उत्तर है ऑप्शन ए अरुण कुमार मिश्रा। अगला प्रश्न। भारत को डैश जोन में विभाजित किया गया है 4, 5, 8 या फिर 10। सही उत्तर है ऑप्शन बी 5। अगला सवाल। गुजरात में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 2007 में, 2009 में, 2011 में या फिर 2013 में। तो सही आंसर है ऑप्शन बी 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनानी दवाओं के लिए किसका सिद्धांत प्रसिद्ध है? चरक, सुश्रुत, हिप्पोक्रेट्स या फिर सैमुअल हैनिमन। आंसर होगा ऑप्शन सी हिप्पोक्रेट्स। अगला और अंतिम प्रश्न। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? श्री जगदीप धनखड़, श्री ओम बिरला, श्री एम थंबीदुरई या फिर श्री करिया मुंडा। सही जवाब होगा ऑप्शन बी श्री ओम बिरला।
चलिए अब अभ्यास प्रश्न नोट कर लीजिए। हाल ही में सेंगोल देने की परंपरा खबरों में थी, ये किस राजवंश की लोकप्रिय परंपरा थी? ए राष्ट्रकूट, बी पांडे, सी मगध या फिर डी चोल। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में इस क्वेश्चन के आंसर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।